अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एच सी एफ कैलकुलेट करने के शॉर्टकट मेथड्स को डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ए में है सिक्सटीन ट्वेंटी फोर पार्ट बी में है फिफ्टीन फोर्टी फाइव पार्ट सी में है एट सिक्सटीन थर्टी टू एंड पार्ट डी में है ट्वेंटी फोर थर्टी टू एंड फिफ्टी फोर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ मूव करते हैं पार्ट ए में हमारे पास सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर दो नंबर दिए हुए हैं और इनका हमने एच ई एफ कैलकुलेट करना है हम क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों नंबर का तो डिफरेंस होगा ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटीन ये वैल्यू हमारे पास आएगी एट अब हम देखते हैं कि क्या एट का टेबल सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर जाता है तो यस एट का टेबल सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर दोनों तक अप्रोच करता है तो ये इसका एच सी एफ होगा अब पार्ट बी देखिए पार्ट बी में है फिफ्टीन और फोर्टी फाइव अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं दोबारा तो फोर्टी फाइव माइनस 15 हमारे पास आता है 30. अब ये 30 का टेबल ना तो 15 पे जाता है ना 45 पे जाता है तो अब हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास डिफरेंस आया है इस डिफरेंस के फैक्टर्स निकालेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 30. तो 30 के फैक्टर्स हमारे पास हैं वन टू थ्री फाइव सिक्स टेन फिफ्टीन और थर्टी तो अब हम क्या करेंगे हम बड़े से छोटे फैक्टर्स की जाने मूव करेंगे और बारी बारी देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और जहां पे वो नंबर हमें मिल जाएगा वहीं इसका एचसीएफ होगा थर्टी हम पहले ही चेक कर चुके हैं थर्टी का टेबल नहीं जाता फिफ्टीन का टेबल फिफ्टीन पे भी जा रहा है और फोर्टी फाइव पे भी जा रहा है तो इन दोनों का जो एच होगा वो होगा फिफ्टीन के इक्वल अब हम पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं पार्ट सी में हमारे पास नंबर हैं एट सिक्सटीन और थर्टी टू अब हमारे पास तीन नंबर आ गए हैं तो अब हम देखेंगे कि किन दो नंबर्स के दरमियान मिनिमम डिफरेंस है मिनिमम डिफरेंस तो मिनिमम डिफरेंस जो है वो सिक्सटीन और एट के दरमियान है तो सिक्सटीन माइनस एट इज इक्वल टू एट अब हम देखते हैं कि क्या एट जो है एट का टेबल इन तीनों पे जाता है तो एट का टेबल इन तीनों पे अप्रोच करता है इसका मतलब है इन तीनों का जो एच सी एफ होगा वो होगा एट के इक्वल तो अब पार्ट डी देखते हैं पार्ट डी में हमारे पास है ट्वेंटी फोर थर्टी टू और फिफ्टी फोर अब हम देखते हैं कि किन दो के दरमियान मिनिमम डिफरेंस है तो मिनिमम डिफरेंस है हमारा मिनिमम डिफरेंस है थर्टी टू और ट्वेंटी फोर के दरमियान जो कि आता है हमारे पास एट अब हम देखते हैं कि क्या एट का टेबल इन तीनों नंबर पे जाता है अब एट का टेबल ट्वेंटी फोर और थर्टी टू पे तो जाता है लेकिन फिफ्टी फोर पे नहीं जाता तो हम क्या करेंगे हम एट के फैक्टर्स बनाएंगे तो फैक्टर्स ऑफ एट एट के फैक्टर्स हमारे पास हैं वन टू फोर और एट तो अब हम क्या करेंगे हम मैक्सिमम से मिनिमम तरफ मूव करते हुए जाएंगे और बारी बारी चेक करेंगे कि क्या कौन सा नंबर इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है एट हम पहले ही चेक कर चुके हैं एट टेबल नहीं जाता फोर का टेबल ट्वेंटी फोर और थर्टी टू पे जाता है लेकिन फिफ्टी फोर पे नहीं जाता लेकिन टू का टेबल जो है वो इन तीनों नंबर्स पे चला जाता है तो इन तीनों नंबर्स का एच सी एफ होगा टू के इक्वल तो डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्टेस्ट त्रीन मेथड थे एच सी एफ कैलकुलेट करने के किसी भी पेपर में आप बीस से तीस सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम